नमस्कार, पटना खबर में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजधानी पटना की फटाफट 11 ताजा तरीन खबरें। पटना से राजगीर, जो सफारी, नालंदा और पावापुरी तक के लिए जल्द आएगा शानदार पैकेज। कोरोना मामलों में कमी आने के बाद से ही एक बार फिर से घूमने फिरने की जगहों में रौनक बढ़ रही है और इस कड़ी में बिहार के राजगीर व नालंदा क्षेत्र की ओर भी पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कराने की कवायद की जा रही है, जिसे लेकर पटना से राजगीर, जू सफारी, नालंदा और पावापुरी के लिए नया और सस्ता टूर पैकेज जल्द आने वाला है। इस पैकेज की कीमत प्रति व्यक्ति 1,000 से 10,000 तक हो सकती है, जिसमें खाना, रहना और भाड़ा पैकेज के हिसाब से शामिल रहेंगे। जानकारी के अनुसार 10 मार्च तक पैकेज की घोषणा हो सकती है। पटना में कोरोना के 12 नए मामले मिले। बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में कुल 1,27,836 सैंपलों की जांच हुई है, जिसके आधार पर पटना में 12 नए संक्रमितों की पहचान हुई। इसके साथ ही पटना में कुल एक्टिव केस 164 हो गए हैं। बात अगर करें बिहार की, तो इस दौरान 53 नए केसों के साथ बिहार में कुल एक्टिव केस 431 हो गए। आज और कल घर से बाहर निकले तो बारिश से बचने के उपायों के साथ निकले, क्योंकि आने वाले 24 घंटों के दौरान पटना और उससे सटे आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमीयुक्त हवाओं के कारण चक्रवाती सर्कुलेशन बनेगा, जिससे आज कई जगह बादल छाए रह सकते हैं। वहीं पटना समेत दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य जिलों में भी मौसम का यही हाल आज और कल रहने वाला है। पटना के अटल पथ से हाजीपुर तक चलेंगी सिटी बसें। राजधानी में अटल पथ से जेपी सेतु को जोड़ने का काम अपने अंतिम चरण पर है, जिसके बाद इस रास्ते से होते हुए हाजीपुर तक सिटी बसें चलाई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक मई महीने तक यह काम पूरा हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये बसें अटल पथ से होते हुए जेपी सेतु होकर सोनपुर और हाजीपुर को जाएगी। साथ ही ये सभी बसें CNG होंगी, जिससे भारी प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि BSRTC द्वारा इस रूट पर बस सेवा शुरू करने से लोगों को जाम से भी छुटकारा मिलेगा। पटना में हंगामा कर रहे कई STET अभ्यर्थी आए पुलिस की गिरफ्त में। बीते दिन राजधानी में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को लेकर हंगामा कर रहे STET अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों पुलिस की गिरफ्त में आ गए। दरअसल ये STET अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके क्वालिफाइड सर्टिफिकेट जारी करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि बोर्ड ने 2019 का क्वालिफाइड रिजल्ट जारी नहीं किया है, जारी करने को लेकर दर्जनों अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। इस दौरान मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। पटना में चोरों ने सरकारी स्कूल में मारी सेंध। राजधानी में आए दिन चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ताजा मामले में गुलजारबाग स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में चोरों ने मंगलवार की रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक स्कूल के साइंस लेबोरेटरी से चोरों ने कई अलमारियों से कीमती सामानों की चोरी की है, जिसकी जानकारी बीते दिन की सुबह स्कूल खुलने के बाद मिली। हालांकि चोरी किए गए सामानों का सही आकलन विद्यालय प्रशासन नहीं कर पाया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी की शिकायत करना अब हुआ आसान। बिहार में अगर आप भी स्मार्ट प्रीपेड बिजली का मीटर यूज कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। आपके घरों में लगे स्मार्ट मीटर को लेकर अगर आपको कुछ शिकायत दर्ज करानी है, तो आप आसानी से दर्ज कर सकते हैं। बिजली कंपनी ने सोशल मीडिया के जरिए शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था कर दी है, जिसके तहत उपभोक्ता फेसबुक और ट्विटर के जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत लिखकर बिजली कंपनी को भेज सकते हैं। ट्विटर पर @BiharEnergy को टैग करते हुए आप आसानी से शिकायत लिख सकते हैं। बताते चले कि ऐप के माध्यम से पहले से बैलेंस या फिर बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं, साथ ही कंपनी इसके निवारण को लेकर भी काम कर रही है। PMCH में मुफ्त में बिना ऑपरेशन के होगा पथरी का इलाज। पटना की PMCH में किडनी से पथरी निकालने का इलाज बिना किसी ऑपरेशन या फिर खुले सर्जरी के जरिए भी हो सकेगा, वो भी मुफ्त में। जी हाँ, PMCH प्रशासन ESWL तकनीक के जरिए किडनी स्टोन बीमारी का इलाज करने की तैयारी में है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसके तहत करीब 2 करोड़ की लिथोट्रिप्सी लगेगी, जिसके जरिए ही यह आसान इलाज संभव हो सकेगा। वर्तमान में यह सिस्टम लाखों रुपए में पटना IGIMS और अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में मौजूद है, मगर PMCH में इस सिस्टम से इलाज मुफ्त रहेगा। 17 करोड़ की ठगी करने वाला जालसाज पटना से हुआ गिरफ्तार। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 17 करोड़ रुपए की जालसाजी के मामले में फरार चल रहे नालंदा के रहने वाले ब्रजेश कुमार चौधरी को पटना से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार जालसाज अपना नाम बदलकर पटना के राजा बाजार में रह रहा था।
पुलिस ने बीते दिन उसे रूपसपुर थाने के रूपसपुर नहर रोड के कार शोरूम से गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ के बाद अरुणाचल प्रदेश पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर चली गई। उसके ऊपर फर्जी तरीके से नन बैंकिंग कंपनी खोलकर करीब 5,000 से अधिक लोगों का रुपए लेकर फरार होने का आरोप है। प्रो कबड्डी लीग के फाइनल में पहुंची पटना पायरेट्स। बीते दिन यूपी योद्धा को सेमीफाइनल मैच में हराने के साथ ही पटना पायरेट्स टीम प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल में पहुंच गई है। इस मुकाबले में पटना टीम ने 38-27 से जीत हासिल की है। इसी के साथ अब कल यानी कि 25 फरवरी को पटना कबड्डी टीम का फाइनल मुकाबला दबंग दिल्ली टीम से होगा। अब जानते हैं पटना में आज सोने चांदी और पेट्रोल के क्या है भाव। प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत आज पटना में 50,180 रुपए रहने वाली है, जबकि प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 46,000 रुपए रहने वाला है। वहीं चांदी के भाव 64,300 रुपए प्रति किलोग्राम है। साथ ही पटना में पेट्रोल 105 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर बिक रहे। बात अगर शहर के तापमान की करें तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री व अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो आज के लिए तही राजधानी की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।